सोनभद्र के उपरा थाना इलाके में इंडिगो कार सवार बदमाशों ने बोलेरो पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलीबारी में बोलेरो में सवार बच्ची समेत चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी आरोपी कार लेकर फरार हो गए। घटना में घायल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया है। घायलों को गंभीर हालत में वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक फायरिंग होती देख पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी बदमाशों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग खड़े। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया गया है। पुलिस मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। दरअसल बदमाशों की गोलीबारी में जो चार लोग घायल हुए उनमें एक शख्स के पिता की कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। तो सोनभद्र में बदमाशों का कहर देखने को मिला है। ओबरा थाना इलाके में एक इंडिगो कार सवार बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी में बैठे हुए लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलीबारी में बोलेरो में सवार 25 समेत चार लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद सभी आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गए, जिसमें सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया है। वहां मौजूद लोगों की अगर माने तो उनका कहना था कि जब फायरिंग हो रही थी उस दौरान पिकेट ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी बदमाशों में फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद डरकर सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दे रही है। और साथ ही इस पूरे मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है।